डिफिकल्ट टू क्रैक यूपीएससी आईएएस पीसीएस और एनी गवर्नमेंट जॉब इन हिंदी मीडियम। सवाल मैंने आपसे इंग्लिश में क्यों पूछा? सवाल इसलिए इंग्लिश में पूछा क्योंकि आपने भी ये सवाल सभी सर्च इंजन पे चाहे गूगल हो चाहे यूट्यूब हो इंग्लिश में ही खोजा है। इसका कारण ये है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के अंदर पिछले कुछ सालों में ये थॉट डेवलप हो चुका है कि ऐसे सवालों का जवाब भी इंग्लिश में ही खोजना होगा, तभी हमें इसका जवाब मिलेगा। हेलो माय करछी से कलंतक फैमिली, मैं हूँ रचना और अपनी इस सीरीज़ के थ्रू मैंने आपको इससे पहले प्री के एग्ज़ाम की तैयारी, टेस्ट सीरीज़, मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी और प्रिपरेशन से जुड़े गाइडलाइंस के थ्रू आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस के थ्रू गाइड किया है। बट हर वीडियो के नीचे एक क्वेश्चन ज़रूर कॉमन होता था कि क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, और इन क्वेश्चन के पीछे का रीज़न क्या है वो भी आपको और मुझे अच्छे से पता है। तो जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई होता है आप उस रिज़ल्ट को उतना एंजॉय नहीं कर पाते हो अगर आप हिंदी मीडियम, क्योंकि आपके दिमाग में ये थॉट अब डेवलप हो चुका है कि आप मेंस क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि आपका मीडियम तो हिंदी है और हिंदी मीडियम के रिज़ल्ट तो बहुत कम आ रहे हैं। तो बजाय ये फोकस करने के कि हमें अपने उसमें क्या कमियां हैं जो निकालनी है और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी है, आप इस पर फोकस हो जाते हो कि हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट तो वैसे भी कम आ रहा है। तो मैं आपका फोकस जो है वहाँ से यहाँ लाना चाहती हूँ ताकि आप अपने अंदर उन सारी चीज़ों को डिलीट कर सकें और उन नई चीज़ों को ऐड कर सकें, ताकि आपके मन से ये थॉट ही डिलीट हो जाए कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट नहीं आता है। अब कैसे वो चीज़ होती है ये आपको बताती हूँ। तो क्या होता है, अभी तक जैसे मैंने आपसे बातचीत की, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बातचीत किया, कुछ इंग्लिश वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर दिया। शायद यही कारण है कि आपको सुनने में इंटरेस्ट आ रहा था। अगर मैं आपसे इस तरह से बात करती, सभी विद्यार्थियों आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर, और जहां मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी कि मुख्य परीक्षा एग्ज़ाम के उत्तर लेखन को किस प्रकार से करना है, तथा ये बताऊंगी कि आप अपना उत्तर लेखन में किन किन तथ्यों को शामिल करिए। देखिए मैं ना बोलते बोलते भी ऐसे शब्दों को खोज रही हूँ, मेरा दिमाग उन शुद्ध हिंदी शब्दों को खोज रहा है, और आपको भी ये चीज़ इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं लग रही होगी क्योंकि आपको ये चीज़ बहुत ऑड लग रही होगी। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सेम यही चीज़ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग में करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सभी स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं, और गलती उनकी भी नहीं है। गलती क्या है कि डे टू डे लाइफ में हम हिंदी के भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करना हमने छोड़ दिया है, सुनना छोड़ दिया है। ऐसे में जो हमारी कॉपी चेक करते हैं उनके लिए भी ये पढ़ना बहुत ऑड हो जाता है। जैसे अभी आपके लिए सुनना थोड़ा मुश्किल हो गया था, अगर आप ये लिखते अतः व्याख्या, या भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं गंभीरता से, तथा तू या इस तरह से ना, तो उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। आप इंग्लिश के सोर्सेज से भी किताब पढ़ते हो, ये वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, तरह तरह के सोर्सेज से पढ़ना चाहिए, लेकिन आप जैसे उसको ट्रांसलेट करने लगते हो अपनी भाषा में तो आप शुद्ध हिंदी का वर्ड यूज़ कर लेते हो, जबकि सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में अपोजिट है। इंग्लिश मीडियम में अगर अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो वो कैब जिसे कहते हैं, तो उसके बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे आप इंग्लिश में किसी से बात करोगे, व्हाट इज़ योर नेम, इन विच क्लास यू स्टडी, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो ये बहुत कॉमन सा लगेगा। इसी को आप भारी भारी शब्दों में लपेट करके अगर लिखो बताओ पूछोगे तो सामने वाले पे इम्प्रेशन बहुत अच्छा जमेगा। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक बार महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर एक गाँव गए थे, वहाँ पर बैठ करके रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसानों से बहुत सारे सवाल किए, जवाब दिए और इंग्लिश में पूछे। फिर जब महात्मा गांधी का नंबर आया, महात्मा गांधी ने किसानों से पूछा मूंगफली की खेती कैसे करते हैं, खाद कितना डालते हैं, किसानों ने उनकी भी बातों को बहुत ध्यान से सुना। जब सभा खत्म हो गई, स्थगित हो गई, तो जब महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर चले गए तो किसानों ने आपस में बात की कि ये जो दाढ़ी वाले थे ना, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर, वो बड़ा अच्छा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे ये समझ में नहीं आया, लेकिन वो बोल बहुत अच्छा रहे थे। लेकिन ये जो थे ना, ये महात्मा गांधी, इन्होंने जो बोला ये तो बिल्कुल हमारी ही तरह बात की, तो हमारे ही बीच के हैं, तो वो कनेक्ट किससे कर पाए? उनके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत हाई फाई थे, बट कनेक्ट किससे कर पाए? महात्मा गांधी से कर पाए। अब ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रही हूँ, ताकि आप अपनी भाषा में उस चीज़ को, आप अपनी ओरिजिनलिटी मत खोइए। जो आप ओरिजिनल में सोचते हो इस
उसी उसी जिस तरह से बोलते हो उसी भाषा का इस्तेमाल करें। इवन इंटरव्यू में भी आप बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल नहीं करें, भले इंग्लिश में आप बहुत अच्छा प्रॉपर इंग्लिश वोकैब का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आए। अभी तक ये वीडियो जैसे आप देख रहे हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने आपसे आपकी भाषा में बातचीत की। अगर मैं इसमें हाई फाई इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करती तो भी आप वीडियो स्किप कर जाते हैं। अगर मैं हाई फाई शुद्ध हिंदी वर्ड का इस्तेमाल करती, शब्दों का इस्तेमाल करती, तो भी आप वीडियो स्किप कर जाते हैं। मैंने क्या किया, मेरा सारा फंडा क्लियर है, मैंने क्लियर कट आपकी भाषा में आपसे बात की, आपकी प्रॉब्लम की तरह कि क्या आपकी प्रॉब्लम हो सकती है उस तरह से बात की है। तो आपको भी अपना आंसर इसी तरह से क्लियर रखना है। दूसरा है कंप्लीट। कंप्लीट किस तरह से, क्योंकि जैसे प्री का रिजल्ट आता है ना, मेंस की तैयारी में हम इतना खो जाते हैं कि प्री के फैक्ट्स को पीछे छोड़ देते हैं, और प्री के फैक्ट्स के बिना वो आंसर कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि 60% प्री के ही फैक्ट हैं जो आपके आंसर को कंप्लीट करता है। तो कंप्लीट करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, आपको फैक्ट्स का इस्तेमाल करना है। थॉट्स एक अलग चीज़ है, थॉट्स आपको एक्स्ट्रा नंबर देता है, लेकिन बेसिक नंबर जो है ना वो फैक्ट्स देते हैं। तो उन फैक्ट्स का इस्तेमाल करिए, ये सोच के नहीं कि अब तो प्री हो गया, उन फैक्ट्स का कोई यूज़ नहीं है। मेंस का नोट्स कैसे बनाना है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की, मेंस से रिलेटेड मैंने कई वीडियोस पोस्ट की, जिसके नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वो डाउट्स अपना क्लियर करना हो तो आप देख सकते हैं, वरना आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल करिएगा, मैं उसके जवाब आपके लिए पोस्ट कर दूंगी। तो क्लियर, कंप्लीट और कंसाइज होना चाहिए। अब इसमें क्या है, आपको क्या करना है, बी ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल वर्ड्स का इस्तेमाल करें, उन वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें जो आपको डिक्शनरी में मिलता है। जैसे कि गारंटी, गारंटी एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर आप डिक्शनरी में खोजने जाइएगा तो इसके बड़े शुद्ध हिंदी वर्ड मिलते हैं। तो रेगुलर लाइफ में गारंटी वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे वो हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में करें। अब उसके लिए आप शुद्ध हिंदी का वर्ड मत खोजिएगा। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। दूसरा, ओरिजिनल रहिएगा, प्रॉपर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और बाकी आंसर राइटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगी। अभी आपको फोकस क्या करना है, अपने इसी थॉट और अपनी इसी भाषा पे, कि आपको भाषा पे रिसर्च नहीं करनी है। और अपने मन से अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है तो उस थॉट को सबसे पहले डिलीट कर दीजिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा। Is it difficult to crack UPSC, IAS, PCS or any government job exam in Hindi medium? ये जो है सवाल अपने मन से या किसी भी सर्च इंजन पे पूछना बंद कर दीजिए। सीधे it is possible to crack UPSC, IAS, PCS, any government job exam इन हिंदी मीडियम। ये कॉन्फिडेंस लाइए ताकि ये सवाल आपके मन में आए ही ना, तभी आप मेंस की अच्छी तैयारी कर पाओगे, मेंस क्वालिफाई करोगे, इंटरव्यू दोगे और सिलेक्शन हो जाएगा। और ढेर सारे क्लासेस देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी क्लासेस की लिंक दी हुई है, मेंस की, प्री की, टेस्ट सीरीज की, इंटरव्यू की और अदर गाइड्स लाइन की वीडियो दी हुई है, उसको देखिएगा। चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।